हेलो दोस्तों, एक्सेल सुपर हैवी ड्यूटी में देखते हैं। ये नया भी हमारे एक तो की ग्रेजुएट समस्या ज़्यादा आ रहा है इसमें, और क्यों आ रहा है दोस्तों आपको दिखाएंगे। वीडियो में बने रहिए, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, बेल आइकन भी साथ में दबा दीजिए। दोस्तों आइए फटाफट से मोबाइल इसका ड्रेन करते हैं। और दिखाते हैं क्यों किक स्लिप हो रहा है। एक्चुअली दोस्तों इसका किक रेचिट खाया हुआ है, ठीक दिखता है फिर भी स्लिप होता है। दोस्तों क्यों होता है ये दिखाएंगे आपको। बार बार बदल के परेशान हो चुके हैं किक रेचिट, तो उसका समस्या क्या है ये भी बताएंगे दोस्तों। वीडियो में बने रहिए। फटाफट से खोल के दिखा रहे हैं दोस्तों, चंबा नहीं निकलने से कुछ नहीं होने वाला। इस पॉकेट निकाल दिए दोस्तों। ऐसा तो निकलेगा नहीं दोस्तों, मोबाइल निकल रहे हैं हल्का सा। उसके बाद ऊपर वाला कवर खोलना ज़रूरी है, नहीं तो निकलेगा नहीं, उसमें कॉइल पकड़े रहता है। कॉइल को अलग कर देंगे। बूस भी जाम है दोस्तों इसका, थोड़ा सा हथौड़ी मार देंगे नीचे तरफ से निकल जाएगा। देखिए दोस्तों कितना अच्छा से निकल गया है, रिचड़ गया हुआ है दोस्तों। देखने में अच्छा दिखता है लेकिन दोस्तों इसका बीमारी दिखाएंगे। रुके जब भी की रिचड़ डालें दोस्तों ओरिजिनल ही डालें, लोकल वाला डालिए मत, जल्दी ख़राब हो जाता है। नया वाला लेके आए हैं, पुराना वाला पहचान में आ जा रहा है। देखिए उसमें वाशर रहना ज़रूरी है दोस्तों। इसको फोल्डेड करेंगे, कवर का रेचिट को निकाल लेते हैं और इसका समस्या दिखाते हैं क्यों स्लिप हो रहा है। देखने में कुछ खराबी नहीं है दोस्तों, सब सही मालूम पड़ेगा, लेकिन इसका सही बीमारी दिखा रहे हैं। अभी रुकिए थोड़ा सा, देखिए इसका सही बीमारी क्या है दिखा रहे हैं। देखिए ध्यान से, भूस इसका खा जाता है ज़्यादातर, देखिए तो ये स्लिप ज़्यादा आता है इसमें। अरे नया वाला में देखिए दोस्तों हिलेगा नहीं थोड़ा सा भी, देखिए ये बूस अलग से आता ही नहीं, नया में लग के आता है एक बार। और भी की रेचिट चेंज करने के बाद बार बार स्लिप हो रहा है दोस्तों, तो ये चैम्बर बदलना ज़रूरी है। जहाँ साफ्ट लग रहा है ना, वो साफ्ट का खा जाता है वो चैम्बर पूरा, तो चैम्बर बदलना पड़ता है। किक साफ्ट साफ्ट जहाँ बैठता है ना वहीं का चैम्बर खा जाता है। उसके बाद चैम्बर नया बदलने के बाद ऑटोमेटिक आ जाता है।
चैम्बर सही है, तो क्योंकि रिचर एक टू डाल देने से चलते रहता है साल साल। हो गया है दोस्तों, फटाफट से ख़त्म कर चुके हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो बोल के। अभी कैसा चेक करेंगे दोस्तों, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी दो ठो नॉट नट सिर्फ टाइट करेंगे, ज़्यादा नहीं, दो ठो। और किक मार के देखेंगे पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा है। अच्छा से काम कर रहा है दोस्तों, फिर भी एक बार किक पैरों में मार के देखते हैं। A1 काम कर रहा है दोस्तों, अभी सब नट टाइट करेंगे एक ही बार में, सबको समान से तरीका से एक एक करके सभी को एक समान। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। पॉकेट नट फुल टाइट होना चाहिए दोस्तों, साउंड निकलता है नहीं तो। उसके बाद नट टाइट करके दोस्तों वॉशर को बेंड कर दीजिए, जब भी नट ढीला हो तो खुलेगा नहीं।